आत्मनिर्भर भारत पदयात्रा बाराबंकी में निकालकर गांधी के देश में खादी के वेश में लिखे स्लोगनों को लेकर गांधी नेता कहे जाने वाले राजनाथ शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया। इस दौरान राजनाथ शर्मा ने कहा कि यह पदयात्रा इसलिए निकाल रहे हैं कि मोदी इससे आगाह हो जाए हमारा देश कहां जा रहा है। भारत पदयात्रा आज भी बाराबंकी फतेहपुर इलाके में निकाली जाएगी और लगातार भारत पदयात्रा निकालकर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया जाएगा। नव भारत समाचार उत्तर प्रदेश लखनऊ से जितेंद्र शुक्ला की खास रिपोर्ट। बाबूजी आज ये यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है इस यात्रा के पीछे? देखिए आचार्य जेबी कृपलानी की आज पुण्यतिथि है और आचार्य जेबी कृपलानी ने भारत में गांधी आश्रमों की स्थापना 1920 में 30 नवंबर को किया था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मोदी जी किस तरह से आत्मनिर्भर करेंगे। आत्मनिर्भर तो खादी, स्वदेशी वस्तुएँ और गांव-गांव उत्पादन जब बढ़ाया जाएगा तभी बेरोजगारी और गरीबी दूर हो सकती है। मोदी जी के आत्मनिर्भर की जो परिकल्पना है उसको सचेत करने के लिए और आगाह करने के लिए आज ये यात्रा है कि मोदी जी समझें कि ये देश किस गति से पीछे हट रहा है और इसको आगे बढ़ाने के लिए गांधी, मौलाना आज़ाद, हसरत मोहानी और बादशाह खान और सरदार पटेल ने जो स्वदेशी और खादी की परिकल्पना की थी उसी आधार पर ये देश जो है आत्मनिर्भर बन सकता है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री को इस यात्रा से संदेश दिया जा रहा है कि वो सचेतें और ग्रामीण उद्योग, छोटे उद्योग और लघु उद्योगों को बढ़ावा।